नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास, यानी थोड़ा बहुत हम इतिहास जानेंगे कि कैसे भारत के संविधान की नींव डली अंग्रेजों के टाइम में। जब उन्होंने युद्ध जीतने शुरू किए तो उन्होंने अपने शासन को सही चलाने के लिए कुछ एक्ट पारित किए, चार्टर एक्ट लेके आए, तो वो कैसे उन्होंने लागू किए, कब कब लागू किए, कैसे उनके अंदर भारतीय नींव की संविधान की भारतीय संविधान की नींव डली, इन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक लूशेंट की बुक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये लूशेंट की बुक ही कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल से करेंगे इन चीजों को, क्योंकि लूशेंट की बुक वन डे एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि इसके अंदर फैक्चुअल चीजें हैं, ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है, फैक्चुअल चीजें याद करो, वन डे एग्जाम के लिए ये बेस्ट चीज रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कह देता हूं कि आप लोगों को ये जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगी, टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज को। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही चैप्टर जब आप भारतीय संविधान का खोलते हैं, जहां पर आपको लिखा मिलता है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त, यानी छोटा मोटा इतिहास बताया जाएगा कैसे शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत होती है 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध। देखिए, ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को इतना यकीन हो गया था कि उनके पास मुट्ठी भर लोग हैं, और मुट्ठी भर लोग होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ी जनसंख्या में एक सेना को हरा दिया, तो अब ये कहीं ना कहीं यहां पर शासन कर सकते हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा गेन हो गया था यहां से 1757 और 1764 के लड़ाई के बाद। अब इन्होंने शासन करने की सोची यहां पे। अब देखिए, ऐसा तो नहीं था ना कि भाई अंग्रेज लड़े, अंग्रेज लड़ने के बाद अंग्रेजों को कुछ नुकसान ही नहीं हुआ था, भाई ऐसा तो एक्चुअल नहीं हो सकता। अरे भाई, दो चीजें जब आपस में लड़ेंगी तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा, ये भले एक तो जीतता है लेकिन नुकसान तो उस जीतने वाले का भी ही होता है। सेम ऐसा अंग्रेजों के साथ भी हुआ। भाई जब अंग्रेज जो थे 1757 की लड़ाई हुई, 1764 में जब लड़ाई हुई, तो आर्थिक रूप से भाई साहब ये बहुत परेशान भी हुए थे। भले उन्होंने युद्ध जीत लिया, इनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया हो, इनको यकीन हो गया हो कि अब ये आराम से शासन कर सकते हैं, लेकिन नुकसान हो गया था। अब नुकसान हो गया था तो वहां पर उस चीज की भरपाई के लिए, अपने आप को वापस खड़ा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो अब इनको चाहिए थे पैसे। मतलब एक तरीके से अपनी भाषा में बता रहा हूं कि पैसे उनके उस वक्त उनको पैसे चाहिए थे, सीधी सी बात है। अब अंग्रेजों को पैसे चाहिए तो पैसे कहां से ले, क्या भारत के राजाओं से मांग ले? अरे नहीं भैया, वो तो जीते हैं, ये कैसे मांग लेंगे भारत के राजाओं से। तो इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे बड़ी आप अगर इतिहास देखते हो ना भारत का, तो सबसे बड़ा आपको फैक्टर नजर आता है कि क्यों अंग्रेज ही कामयाब हुए। सबसे उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है, फ्रेंच भी आए थे वो क्यों नहीं हो पाए, या फिर और भी डच आए वो क्यों नहीं हो पाए, ये क्यों कामयाब नहीं हो पाए, बजाय इसके कि जो अंग्रेज थे वो सबसे बाद में आ रहे हैं और ये भी कामयाब होके जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कामयाब ये होके जा रहे हैं, कैसे? भाई रीजन ये था कि भाई इनके पीछे जो था, अरे कहां गया, हाँ, अंग्रेज जो थे इनके पीछे गवर्नमेंट जो थी वो बहुत बढ़िया कह लो, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा समर्थन देती थी। सेम यहां पर हुआ, जब 1757 की प्लासी की युद्ध हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, तो अंग्रेज जो थे अब भारत के राजाओं के पास तो जा नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी ही सरकार से हेल्प मांग ली। अब जो ब्रिटिश की जो सरकार जो थी, ब्रिटेन जो गवर्नमेंट जो थी, वो तो चाहती ही यही थी कि भैया ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी कब हमसे हेल्प मांगे। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट से जैसे ही हेल्प मांगने गई, गवर्नमेंट वाले यानी जो ब्रिटिश अपनी खुद की गवर्नमेंट से हेल्प मांगने गई, गवर्नमेंट ने तो हेल्प कर दी, लेकिन वहां कंडीशन लगा दी उन्होंने, कहते भैया आ जाओ कर देंगे हेल्प, लेकिन आपके काम को अब हम थोड़ा रेगुलेट करेंगे, आपको हम अपने अंडर लेके आएंगे। बात यह है, पहले तो आप स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, अपनी कंपनी बना के काम कर रहे थे, लेकिन अब आपकी कंपनी को हम सरकार के अंडर लेके आएंगे, तो ये बात हो गई। तो उस करके जब ये गए तो वहां पर पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट यही था, रेगुलेट करना, काम को रेगुलेट करना। तो यहां पर काम को ही रेगुलेट किया गया था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व इसलिए क्योंकि पहला एक्ट था ये जिसके अंदर कंपनी के कामों को, उसको सही ढंग से कंट्रोल करने को दिशा में उठाया गया, ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार उठा रही है यहां पे, इंपॉर्टेंट ये, ब्रिटिश सरकार यहां पर आ गई। अब यहां पर अभी 1773 में आ गई, 1857 में तो भाई पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार ही आ जाएगी, कंपनी तो रहेगी ही नहीं वहां पे, एक तरीके का समझ रहे हो क्या कह रहे हो। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया, पहली बार सारी चीजें देखिए, पहली बार कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल कार्य थे उनको मान्यता दी गई। हाँ, आप कर रहे हो ठीक है,
साथ ही साथ कि भाई आप जो भी कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन ब्रिटेन गवर्नमेंट को तो जानी चाहिए, तो ये बात बोल दी गई थी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, यानी केंद्र यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट यहां पर आ गई थी। इंपॉर्टेंट ये चीज है। अच्छा विशेषताएं देखो क्या हुआ कि भाई क्या किया गया इसके अंदर, इसके अंदर किया क्या गया, जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया। साथ ही साथ उसको क्या किया गया, मुंबई और मद्रास के गवर्नर के भी अधीन कर दिया गया। देखिए गवर्नर तो हुआ करते थे ना, एक थोड़ा थे, गवर्नर थे काफी सारे, लेकिन मुंबई का जो गवर्नर था, मद्रास के जो गवर्नर थे, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया कि हाँ भाई आप इनसे पूछ के काम कर लो, अब ये थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन एक्चुअल में आप देखा जाए, एक चीज ये ध्यान रखना कि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1773 के बाद जो एक्ट आया ना, 1773 का जो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंदर इसमें गवर्नर की पावर को कम किया गया था। मतलब इसमें पावर कम कर दी गई थी, शक्तियां कम कर दी गई थी। अभी समझोगे क्यों, क्योंकि सरकार इस शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई पावर नहीं देना चाह रही थी। उन्होंने धीरे धीरे आने वाले टाइम में पावर्स बढ़ाई हैं, उनकी शक्तियां इंक्रीज की हैं। देखिए इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता जो प्रेजिडेंसी में एक सरकार तो स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के, यानी होता ना कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो ये कुल मिलाकर अपने पावर का यूज करते थे। सिंपल सी बात है। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसके अंदर 4 जज थे, टोटल 4 जज थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य थे उसका नाम था एलिजा हिम्पे, और जो बाकी अन्य थे, जो कौन थे, चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइट थे। और इसके तहत कहा गया, इस 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि देखिए कोई भी कंपनी का कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी किसी भी भारतीय के साथ निजी व्यापार यानी पर्सनल व्यापार नहीं करेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई गिफ्ट नहीं लेगा यहां पर। ये हो गया। और साथ ही साथ यहां पर कंपनी के कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना की गई थी, जिसके कारण क्या था कि इसके ऊपर सही से, कंपनी के ऊपर सही से कंट्रोल किया जा सके। और यहां से कहा गया कि आपको ना, जो भारत से आप कितना पैसा ले रहे हो, वहां के जो नागरिक हैं, आपने जो सेना बना रखी है, इन सब की जानकारी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना जरूरी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1773 एक्ट कंपनी को रेगुलेट कर रहा था कि भाई आप ऐसे इस ढंग से काम करिए। तो ये बात हो गई। अब आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब कुछ कमियां तो रह गई होंगी ना, ऐसे नहीं था कोई चीज एकदम से ही सही हो जाए। भाई कमियां होती हैं, हर चीज जो शुरुआत बनती है उसमें कमियां निकलती हैं, और कमियों को आने वाले टाइम में ठीक कर लिया जाता है। और उसी को काम क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब इसको सेटल किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर किया गया था इस एक्ट के दौरान। अब यहां पर क्या किया गया, इसमें कलकत्ता की सरकार को, जो कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिए गए थे। अब यहां पर देखिए थोड़ी थोड़ी पावर इंक्रीज कर रही हैं गवर्नमेंट उसकी, गवर्नर की, कि हाँ आप थोड़ा पावर और ले लीजिए, यहां पर करना शुरू कर दिया था। फिर आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दो अलग अलग समझो निकाय बना दिए इन्होंने, कैटेगराइज कर लिया कि भाई देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, जो व्यापारिक है, जो ट्रेड है वो उसको संभालेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करेंगे, जो राजनीतिक मामले हैं उसको संभालेंगे। भाई राजनीतिक जैसे कि कौन से किस पद पे बैठा है, किसको क्या बनाना है, सब इन चीजों का होता था। तो यहां पर दो चीजें होगी, लेकिन ये आने वाले टाइम में इसको खत्म भी कर देंगे, अभी वो भी चीज पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कौन सा एक्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और कब खत्म कर दिया गया वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। देखिए चार्टर जो था ये हर 20 साल के टाइम पे रिवाइज किया जाता था, या 20 साल के टाइम के बाद आता था। अभी यहां क्या था, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को जो वेतन जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, जो आप भाई आप भारत को लूट रहे हो ना, भारत को जो लूट रहे हो वहां से जो रुपया आ रहा है उसी में से दो, क्लियर। 1813 का देखिए 20 साल बीत गए, 20 साल के बाद फिर से 1813 का एक चार्टर अधिनियम आया। इसमें कहा गया कि कंपनी को 20 साल के लिए काम करने का अधिकार और दे दिया। लेकिन अब देखिए जब कंपनी आई थी ना तो एकाधिकार लेके आई थी कि भैया भारत पे तो हम एक ही, हम ही अधिकार करेंगे या हम ही व्यापार करेंगे, दूसरे को नहीं आने देना। तो ये चीज थी,
तो 20 साल के लिए तो इनका काम तो बढ़ा दिया गया, ठीक है आप कर लो, लेकिन भैया आप मोनोपोली नहीं कर सकते, और भी आएंगे, आप अकेले नहीं कर सकते। लेकिन आप हाँ अकेले कर सकते हो, अगर आप चीन के साथ कर रहे हो, थोड़े बहुत जो पूर्वी देश हैं चाय का व्यापार कर रहे हो, आप अकेले कर लो, लेकिन भारत के साथ आपको अकेला व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। तो यहां पर कुछ कुछ चीजों के लिए जो जो ब्रिटिश के और नागरिक थे उनके लिए यहां पर व्यापार के रास्ते खोल दिए थे कि आओ भैया, क्योंकि भूखे नंगे तो थे ना ये लोग, ब्रिटिश आपको देखें ये ब्रिटिश हो गए, भूखे नंगे लोग थे भाई, इनको काम की जरूरत थी, तो भारत इनके लिए सोने की चिड़िया थी। क्योंकि अब देखिए, आपने कभी देखा हो, एक होता है कि भाई क्यों आ रहे हैं ये, हमारे देश को लूट क्यों रहे हैं, आपने कभी सोचा हो कि आपके पास अच्छा खासा आप ये माहौल है आपका, ठीक है आपके मोहल्ले में ये घर है, अब इन घरों में भाई आप बताओ, आपके पास भी काफी सारा पैसा है, आप अच्छे खासे मतलब बढ़िया घर से हो, ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं सब के सब बढ़िया घर से, क्या मुझे बताओ क्या दूसरा घर किसी दूसरे घर पे जाके डाका डालेगा? अरे सवाल ही नहीं उठता यार भाई, जो भूखा नंगा होगा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, वो जाके तो चोरी डकैती करेगा ना भाई। दूसरे देश का इंसान आके यहां पर आके क्यों आया? क्योंकि उसके उसके घर में खुद कुछ नहीं है, तो भूखे नंगे जो लोग थे वो आ गए थे हमारे देश में, तो ये उनको और अधिकार दे कि जाओ भैया लूट लो जितना लूट सकते हो। तो ये हो गया 1813 का। फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, देखिए 20-20 साल के बाद 1793 1813 फिर 1833। अब यहां पर क्या हुआ, इसमें कहा गया कि देखिए अब जो कंपनी जो व्यापार कर रही है ना आप ये खत्म कर दो भैया, अब आप क्या काम करो, अब आप भारत पर केवल शासन करो, एक तो ये हो गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या कहा गया भैया, भारत का गवर्नर जनरल कहो उसको, एक तो ये इंपॉर्टेंट। और बंबई और मद्रास की जो परिषद जो वहां की जो परिषद थी जो कैबिनेट थे उनको कानून बनाने की जो उनके पास पावर थी वो वापस ले ली गई। अब विधि यानी कानून परामर्श के लिए भाई क्या कानून बनाना है, गवर्नर जनरल की जो कैबिनेट मिनिस्टर थी उसमें एक कानून सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति भी की गई थी। भारत में देखिए दास प्रथा का तो अंत कर दिया गया था, कहता कानूनी रूप से हम इसका अंत कर रहे हैं अब, लेकिन इन्होंने कोई अंत नहीं किया था ये, बल्कि खुद गुलाम बना बना के लोगों को रखते थे भारत की, तो ये एक दोगला बनती थी। खैर कहने में तो यही आता है कि 1843 के अंदर इन्होंने इसको खत्म कर दिया था। अब यहां पर कुल 87 सेक्शन इसमें था जिसके अंदर यह कहा गया कि आप देखिए कंपनी के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको धर्म के ऊपर, बहुत बढ़िया देखना देखना कितने इनकी दोगलापंती, देखो कहते धर्म के ऊपर भैया, जन्म स्थान के ऊपर, मूल वंश रंग के आधार पर आप अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे, क्लियर यहां पे। लेकिन ये सारी चीजें मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं, देखिए जो आज की डेट में आप हमारे देश का आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 आप जब देखते हैं तो उसके अंदर 16 आप देखते हैं तो कि जाति धर्म इनके आधार पर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये नींव यहां से डलनी स्टार्ट हो गई थी। आप देख रहे हैं इतिहास क्या है, यहीं से तो निकल गया है भाई, रातों रात संविधान नहीं बना था, संविधान बनने के लिए बहुत सारी चीजों को मतलब पढ़ाई की गई थी, यहां पर देखा गया था कहां पर क्या चल रहा है, उसके अनुकूल चीजें चली थी, तो यही था। अब यहां पर देखो कुछ यहां से हो गया, अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें क्या गया, राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार उसको, मतलब कि आप क्या करो, गवर्नर जनरल को पूरे देश का बजट निकाल सकते हो, यह अधिकार दे दिए गए। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण यानी कैटेगराइज कर दिया गया था, अलग अलग कानून बनाए जाएंगे, और एक कानून आयोग की भी स्थापना की गई थी 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला कानून आयोग बना था, इंपॉर्टेंट है 1834 लॉर्ड मैकाले इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि दास प्रथा का अनुमूलन कब हो गया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे चलते हैं, फिर आता है 1853 का एक और चार्टर एक्ट। अब इसके बाद देखिए, अब तो 1857 आने वाला है, युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां पर फिर ये एक्ट उक्ट आने की बजाय, चार्टर अधिनियम के आने की बजाय फिर एक्ट ही आने लग जाएंगे, फिर तो सरकार ही आ जाएगी यहां पे। अब समझो क्या होता है 1853 में, होता है कि जो भाई अब थोड़ा बहुत यहां पर क्या कहा गया कि आप जो अगर कोई काम कर रहे हो किसी चीज के अंदर, आपका पिता कोई काम कर रहा है, तो पहले क्या होता था, पिता का बेटा मतलब कि पिता बेटा गया, उसका बेटा जो था वो उसकी स्थान पर आ जाता था, तो उस चीज को इन्होंने खत्म कर दिया कि भाई नहीं यार आप तो एग्जाम देके आएंगे यहां पे। इसके लिए 1854 में एक मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई थी, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी यानी कानूनी और प्रशासनिक इनको अलग अलग कर दिया, इनके काम को अलग अलग कर दिया, और इसके इस एक्ट के तहत या इस चार्टर के तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जो विधान पार्षद कहलाए थे, ठीक है।
अब 1858 में आते हैं। देखिए 1857 में आ तो 20 साल का था, लेकिन अब 1858 में 1857 में युद्ध हो गया था, ये हिल गए थे कि भैया ये क्या कर दिया है, यहां पर तो लड़ाई हो गई, अब हम तो संभलेंगे नहीं। तो फिर यहां से इन्होंने फूट डालने भी शुरू कर दी थी। अब आप देखिए 1919 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू कर दिया था। इवन 1935 के अंदर दलित समाज के अंदर भी इन्होंने कहा था कि आप दलित वर्ग को चुनेगा, तो ये सब चीजें करनी शुरू कर दी थी। तो यहां पर ये हिल गए थे, इन्होंने कहा कि भैया अगर राज करना है ना तो फूट डालनी पड़ेगी इनके अंदर, तो फूट डालनी इन्होंने शुरू कर दी थी। तो अब यहां पर क्या हुआ 1858 में, तो भारत का जो शासन था वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। समझो ये ब्रिटिश ही आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी। अब कंपनी का कोई लेना देना नहीं था, अब तक कंपनी थी कंपनी। पहले 1757 आप देखो ना, 1757 1764 जब बक्सर युद्ध हो गया था, प्लासी का युद्ध हो गया था, फिर वहां पर 1773 में कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना शिकंजा कसा था, वहां किसा था, लेकिन कंपनी थी वहां पे, ऐसा नहीं था कंपनी नहीं थी। लेकिन अब यहां पर कंपनी नहीं है, अब तो प्योरली गवर्नमेंट है यहां पे। अब यहां पर अब ऐसा तो नहीं था कि भाई, एक तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था तो की गई थी, अब उस मंत्रिपरिषद में ऐसा नहीं था कि आपने कंपनी को उठाया और कंपनी को बंद कर दिया। अरे भाई वो इतने टाइम से भारत के अंदर है, उनको भारत की परिस्थिति पता है, भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या रास्ते हैं, भारत में कैसे व्यापार करना है, इतना कुछ उन्हें पता है। तो भैया ये आसान नहीं है कि इनको हटा दें। तो क्या किया गया, जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई ना, उस 15 सदस्यों के अंदर 8 तो ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए और 7 जो सदस्य थे वो कंपनी के लिए थे। अब भारतीय मंडलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया भारतीय मामलों पर, और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, अभी अब कोई सम्राट सम्राट नहीं होगा, अब हम यह जो है। अब सिक्स्थ में क्या है, इस अधिनियम के द्वारा देखिए, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, कि भैया इनको खत्म करो, क्या है ये। तो ये खत्म हो गया 1858 के बाद। भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक, देखिए भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पद की नियुक्ति भी की थी, जो इंग्लैंड में लंदन में रहता था। अब इसका काम क्या होता था कि अपने सारे काम जो था उत्तरदायी होता था ब्रिटिश सरकार के प्रति, भैया तुम्हारी देखरेख में सारा काम हो रहा है, कुछ हुआ तो हम तुम्हें पकड़ेंगे। तो भारत के प्रशासन में इसका संपूर्ण नियंत्रण यही था, और इसी का वाक्य बोले तो भैया यही इसने जो बोला कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ, हम ही प्रवचन, जो भी हम देंगे हमारा वचन अंतिम होगा। तो ये थे, चाहे वो किसी विषय में हो, किसी चीज के रिलेटेड हो। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, वॉइसरॉय कर दिया गया, और इसलिए लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वॉइसरॉय हुए। ये थे 1858 का। अब 1861 में आते हैं, टाइम बीता, 1861 में आए, 1861 में आए तो इस अधिनियम में कुछ चीजें ऐड की गई। भैया कहा गया कि थोड़ी बहुत पावर भारत वालों को भी दे दो, है थोड़ा बहुत उनको भी कर लो शामिल। तो ये बात हुई। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी यानी उसकी कैबिनेट जो मिनिस्टर था उसकी थोड़ा बहुत मतलब बढ़ाओ यार इसके अंदर, हमें और लोगों की जरूरत है, थोड़ा सही से शासन करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। विभागीय प्रणाली यानी कैटेगराइज कर दिया गया, शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, और भी जैसे स्वास्थ्य विभाग, इनको अलग अलग कर दिया गया कि भाई अलग अलग विभाग करो। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे हमारे देश में आज की डेट में अगर 70 नहीं चल रहा है तो प्रेजिडेंट अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं जो 6 महीने तक वैलिड होता है। सेम ये कहां से लिया है, देखिए उनको अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई थी जो 6 महीने तक वैलिड होता था, सेम यहां से लिया गया। अब गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी, यहां पर आपके सामने लगा हुआ है सारा कुछ लगा हुआ है यहां पर मैप में, तभी लगा रखे मैंने। बंगाल हो गया, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, पंजाब में विधान परिषद, इनको भैया आप स्थापित कर सकते हो, ये शक्ति दे दी गई थी। अब इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भैया थोड़े बहुत भारत को भी प्रतिनिधि दो, तो इनको शामिल किया गया। और वॉइसरॉय कुछ भारतीयों को, अभी जो अपनी इन्होंने अपनी कैबिनेट बढ़ाई थी उसके अंदर कुछ भारतीयों को गैर सरकारी, भाई परमानेंट नहीं, एक तरीके के टेम्पररी तौर पे ले आओ यार, इनसे पूछ लेंगे क्या चाहिए। तो ये ऐसा हाल था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जैसे एक तो थे बनारस के राजा, एक तो पटियाला के महाराजा और सरदिन कराव को, इस विधान परिषद में एड कर लिया था। अब आते हैं 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, देखिए 1873 का अधिनियम हुआ, इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि भैया हम तुम्हें कभी भी भंग कर सकते हैं। वैसे भंग तो कर दिया था, उसका वैसे कोई वजूद नहीं रहा, लेकिन उसको एक ऑफिशियल तौर पे बंद कर दिया गया 1 जनवरी 1884 को। तो इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्लियर। आगे चलते हैं,
शाही उपाधि अधिनियम 1876। एक हमारे देश में एक आर्टिकल आता है, एक आर्टिकल चलता है आर्टिकल 18, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया। अब वो शाही उपाधि यहां पर देख लो, उपाधि जैसे होती थी ना, महाराजा, अधिराज, राय साहब, ऐसी ऐसी उपाधि दी जाती थी ब्रिटिश काल के अंदर। अब यहां पर जो था वो आज की डेट में बंद है, आज कौन चलाता है उन चीजों को। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876, तो इसमें क्या हुआ भाई, महारानी आई इनकी, इनको कहा कि देखो ये जो महारानी विक्टोरिया है वो भारत की भी रानी है, यानी भारत की भी साम्राज्ञी यानी सम्राट है। कब किया गया घोषित? 28 अप्रैल 1876 को। तो इन्होंने ये बात बोल दी, क्लियर। अब 1892 का भारत प्रसिद्ध अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि भैया इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली शुरू हो गई थी। अब इसके द्वारा राजस्व और व्यय भैया कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसके ऊपर बहस कर सकते हो आप, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए कितनी बड़ी हमें पावर दे दी गई, क्वेश्चन पूछ लो। ये हो गया, ये मेरले मिंटो, ये दो हैं। अब ये दोनों वो हैं, इन्होंने जो सांप्रदायिकता के बीज बो दिए थे कि फूट डालो राज करो, इन्होंने क्या किया, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कर डाला। मतलब कि मुस्लिम व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम्स में से ही अपने प्रतिनिधि को चुनेगा, तो यह कर दिया था इन्होंने। मतलब कितनी बड़ी चीज, अब बैर तो होगा ही ना, अब कहेगा कि हमें क्या लेना बाकी ने कम्युनिटी से, हमारा क्या लेना देना उससे। अब यहां पर इन्होंने जब ऐसा किया तो ऑब्वियसली दो अलग अलग धर्मों में अब यहां पर कहीं ना कहीं बैर आना शुरू हो गया था, क्लियर। अब यहां जैसे इन्होंने कर दिया तो इनको सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में माना जाता है। ये दो हैं, ठीक है, मार्ले और ये मार्ले, जॉन मार्ले और वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो, ये दो हैं। और जो मार्ले है ना, ये जो ये मार्ले है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी फॉर इंडिया, ये मतलब कि भारत के राज्य सचिव, और ये मिंटो जो है वो है वॉइसरॉय, इसका ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की भाई तो उनके अंदर इनकी नियुक्ति की गई थी। आओ भाई तुम्हें थोड़ा बहुत और इज्जत दे देते हैं, हम शामिल कर लेते हैं, हम तो देश को बांट ही रहे हैं, फोड़ ही रहे हैं, थोड़ा और करते हैं। अब यहां पर चलते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित पर विषय का प्रस्ताव करने, अपने क्वेश्चन पूछने, अपना वोट देने, इनका अधिकार दे दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, काफी इंपोर्टेंट नाम है, वॉइसरॉय की जो कार्यपालिका परिषद है उसमें पहले सदस्य जो थे ये भारतीय थे, उन्हें कानूनी सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का अलग प्रदान किया गया था, भैया आप अपना अपना चुनो। तो यह था इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अच्छा आगे चलते हैं, 1919 का, 1909 में क्या हो गया था, मार्ले मिंटो हो गया था। पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो जो सुधार थे, सुधार तो काहे के थे, बांटने का ही काम था, तो पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार थे वो कब हुए, तो एक था, एक तो मोटेंगी जेम्स फोर्ड सुधार थे, ये कब हुए, 1919 में हुआ। इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें ये क्या किया था कि केंद्र के अंदर दो सदन स्थापित कर दिए। भैया होता है ना, एक राज्य परिषद हो गया, एक केंद्र सब विधानसभा हो गई। अब यहां पर जो राज्य परिषद हो गए उसमें सदस्य थे 60 थे, इसमें इलेक्टेड होते थे 34 और इलेक्टेड होते थे 34, बाकियों को मनोनीत किया जाता था, भैया अपॉइंट किया जाता था, 5 साल का इनका काम होता था। फिर आते हैं केंद्र विधानसभा, विधानसभा में क्या होता था, 144 लोगों की संख्या होती थी, 104 को इलेक्ट किया जाता था, 40 को अपॉइंट किया जाता था। इनका कार्यकाल कितना होता था, 3 साल का होता था। दोनों के पावर जो थी सेम थी, बस फर्क इतना था जो बजट जो था उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार जो था वो निचले सदन को था। प्रांत के अंदर भी जो था वो द्वैशासन की प्रणाली शुरू की गई थी। अभी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था कि लियोनस कार्टियस ने द्वैध शासन के जनक के रूप में माना जाता है, जो प्रांतों के अंदर जो राज्य है, आज जैसे स्टेट है, जैसे स्टेट हम देखते हैं ना, भारत एक, भारत में सेंट्रल लेवल पे देखते हैं तो एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब भारत के स्टेट में भी चलते हैं, स्टेट में भी कईयों पे आप देखेंगे तो कईयों के पास विधानसभा और विधान परिषद भी होती है। ऐसे ही प्रांत जो थे वो विधानसभा, एक तरीके मानो जो राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य के अंदर भी एक तरीके के दो सदन ला दिए थे लियोनस कार्टियस के नाम, ये लेके आए थे। अब इस योजना के अनुसार
प्रांतीय विषयों को जो थे वो अलग अलग बांटे गए। भैया दो अलग अलग चीजों में और बांट दिए कि एक तो रिजर्व रखा गया यानी आरक्षित, एक हस्तांतरित, या इनके ऊपर कानून बना सकते हैं। समझो जरा, आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का काम किसका था, ये गवर्नर बना सकता था और उसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर थी उसके द्वारा इनके ऊपर कानून बनाया जाता था। जबकि जो हस्तांतरित जो थे उन पर कानून बनाने का अधिकार जो गवर्नर द्वारा विधान परिषद के जो जो लोगों को चुन रखा था, उनको उत्तरदायी बना रखा था, उनकी मंत्रियों से, उन मंत्रियों की सहायता से यहां पर कानून बनाए जाते थे। अब इस द्वय शासन को 1935 में इसको खत्म कर दिया गया था। अब समझो इसके अंदर क्या होता था, आरक्षित विषय जिनके ऊपर गवर्नर और उसकी गवर्नर के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो कानून बना सकते थे, वो कौन से थे, देखिए विद फाइनेंस थे, भूमि थी, अकाल सहायता थी, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, छप्पर, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं जो थी ये रिजर्व थी। भैया इसके ऊपर कानून नहीं बना सकते जो मंत्री परिषद मंत्री जो थे वहां पर उस वक्त, लेकिन इसके ऊपर अंग्रेज बना सकते थे, सिंपल सी बात यह है। हस्तांतरित भैया इस पे छोटे मोटे भारतीयों को ऐसी छूट दी गई थी कि आप बना लो भैया, क्या कर लो, थोड़ा बहुत शिक्षा को देख लो, पुस्तकालय देख लो, संग्रहालय देख लो, स्थानीय स्वायत्ता देख लो, चिकित्सा देख लो, भैया किसी को चोटी मतलब किसी को चोट लगी है तो पट्टी पुट्टी कर दो, सार्वजनिक निर्माण विभाग देख लो, अबकारी विभाग देख लो, तोल और माप देख लो, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण कर लो, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि इन चीजों को देख लो, इनके ऊपर कंट्रोल कर लो। तो ये था। अब भारत के भारत राज्य भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा प्रेक्षक की नियुक्ति करे। देखिए महालेखा प्रेक्षक जो है उसका काम ये होता है कि भैया इतना रुपया कहां लगा, कितना रुपया कहां से आया और ये कहां लगाया गया, इसकी नियुक्ति की गई। और इस अधिनियम के द्वारा 1935 अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, 1935 मुझे यहां से याद आया तो 1919 के अधिनियम के द्वारा कहा गया कि हमें ना एक लोक सेवा आयोग की गठन करनी है जो आईएएस बनाते ना, तो इसके लिए 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वॉइस की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से, भैया कमांडर इन चीफ को छोड़ दो, उन 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का तो भारतीय होना आवश्यक था। भाई इसने सांप्रदायिकता आधार पर, भैया अब और आगे बढ़ो भैया, 1909 में तो हमने क्या कर दिया था, हिंदू मुस्लिम कर दिया था, अब और आगे बढ़ते हैं और कैसे, भैया जो सिख हैं, जो भारतीय ईसाई हैं, जो आंग्ल भारतीय हैं, जो यूरोपीय हैं, इनके लिए इनको भी तो अलग अलग करो, और जरा फूट डालते हैं तो और भी अलग किया गया इनको। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग पेश किया गया था, केंद्र का अलग, राज्य का अलग। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करना था और रिपोर्ट पेश करना था, ये कैसा चल रहा है सिस्टम, ये बात थी। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के में वॉइसरो के अध्यादेश, जो वो अध्यादेश मैंने बताया था ना कि ऑर्डिनेंस निकालने की पावर थी, उसको सेम रखा गया था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं था। भैया कुछ विषयों के अंदर विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए भैया गवर्नर की जरूरत थी या वॉइसरो की जरूरत थी, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के पास विचार करने, आरक्षित मतलब कि वीटो करने अपने पास रखने की पावर थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा अगर कोई एक्ट, कोई बिल, कोई कुछ भी नामंजूर कर दिया गया है तो वो अगर अनुमति चाहे तो वो दे सकता है, उसके ऊपर मतलब अनुमति दे सकता है अगर वो चाहे तो, और उसको उसी के इक्वल समझा जाएगा कि वो विधानमंडल से पास हुआ है, और आपातकाल में वो ऑर्डिनेंस बना सकता था जिसका अस्थाई अवधि के लिए उसका प्रभाव रहता था। जो जैसे होता ना कि हमारे देश में भी तो प्रेसिडेंट क्या है, हमारे देश की बात हो रही है, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, 6 महीने तक वैलिड होता है। अब फिर उसके बाद उसको अगर आगे लागू करना है तो आपको क्या करना होगा कि जब सत्र बैठे तो वहां पर उसको पास करवाना होगा दोनों सदन से। ऐसा ही हुआ था जब कृषि बिल आया था, तो कृषि बिल को तो एक ऑर्डिनेंस के द्वारा तो हो गया था, ऑर्डिनेंस में तो कुछ नहीं होता तो क्योंकि जब सत्र नहीं चल रहा था तो ऑर्डिनेंस लाए यानी अध्यादेश लाए और पारित हो गया था, लेकिन जब सत्र चला तो वहां पर वो मतलब कि बंद होगा और उसको दोनों सदन से पास होना था। तो ये था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, इंपॉर्टेंट है, और उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। ओके,
अब आते हैं 1935 का, काफी इंपॉर्टेंट है 1935 का ये। देखिए 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसके अंदर 321 आर्टिकल हुआ करते थे, तब की बात आई है, ठीक है ना, वो 321 आर्टिकल हुआ करते थे, 10 अनुसूचियां हुआ करती थी, और बहुत प्रभाव डालता है इसमें। बहुत सारे हमने आर्टिकल सेम टू सेम चके हैं या फिर थोड़ा बहुत फेरबदल किया होगा, वरना हमने सब टू सब मतलब कि वर्ड टू वर्ड एकदम भाई कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, आन दो हमने वो लिया है। एक था अखिल भारतीय संघ, इसमें इसमें विशेषता यह थी कि एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। अखिल भारतीय संघ क्या था भैया, इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे जिसमें ब्रिटिश लोगों का सीधा प्रभाव होता था। चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों, चीफ कमिश्नर भी मतलब एक तरीके के ब्रिटिश का ही अधिकार होता था यहां पे, तो ये होंगे। और इसमें क्या होंगे, जो प्रांत होंगे ना, जो देशी रियासतें होंगी उनको मिलाकर बनाने थे। तो तीन चीजें मिलकर बननी थी, ब्रिटिश प्रांत मिलने थे, चीफ कमिश्नर के क्षेत्र मिलने थे, और देसी रियासतें बननी थी। और देसी रियासतें थी उनको उनकी इच्छा के ऊपर छोड़ा गया था कि अगर आप चाहो तो इस संघ में शामिल हो सकते हो, अगर ना चाहो तो ना हो। तो भैया देसी रियासतों ने कहा कि भैया हमें होना ही नहीं है, हमें होना ही नहीं है शामिल। अब जब शामिल होना ही नहीं है तो ये अखिल भारतीय संघ कभी बना ही नहीं। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अखिल भारतीय संघ कब बना, तो भैया कभी नहीं बनाइए। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगा ना उसके अंदर दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलो जरा, ये कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को द्वय शासन का अंत करके उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। भाई थोड़ा बहुत आपको पावर यहां पर दे दी गई, सीधी सी बात है। केंद्र में द्वय शासन की स्थापना अब केंद्र में कर दी गई थी कि भई एक केंद्र और विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया, और इसको ऐसे बांटा गया, एक तो परिसंघ सूची, एक यहां पर मुझे भी नहीं दिख रहा क्या है ये, प्रांतीय सूची, एक है समवर्ती सूची, जो आज की डेट में आप देखते हो ना स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये वही है। देखे जाए तो यही यही तो वो नींव है, यहां से तो पड़ी है सूची डालने की हमारे पास, कितनी सूची होंगी। तो देखिए परिसंघ जो था एक तरीके का केंद्र था। अब केंद्र के पास क्या क्या पावर होंगे, देखिए केंद्र के पास तो पावर होंगे ना, विदेशी कार्य वो संभालेंगे, करेंसी वो संभालेंगे, मुद्रा वो संभालेंगे, मतलब करेंसी मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना, ये सारे काम जो थे वो सेंटर करता था। स्टेट के पास क्या आता था, स्टेट, अरे आप पुलिस संभाल लो, आप थोड़ा बहुत वहां की लोक, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, इन सबको संभाल लो, आप इनके ऊपर कानून बना लो। समवर्ती क्या होता था, समवर्ती के ऊपर ये दोनों कानून बना सकते थे, यानी स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते थे। लेकिन कभी सोचा आपने, अगर स्टेट और सेंटर दोनों किसी सेम चीज के ऊपर कानून बनाने आए और दोनों के मत अलग अलग हैं तो किसका कानून मान्य होगा, तो कानून मान्य होगा सेंटर का। सेम आज भी होता है, कॉन्करेंट लिस्ट आज भी है, विवाद दोनों में होता है सेम विषय के ऊपर, तो माना जाता है सेंटर का। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां पर अवशिष्ट शक्तियां जो थी, अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो थी वो वायसराय को दी गई। अवशिष्ट का मतलब होता है कि देखिए उस वक्त इंटरनेट तो था नहीं भैया, इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट जैसी चीजें कहां पर डालें, उसे अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया गया। भैया कभी आएगा तो इसके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें जो मतलब कि आज की डेट में नहीं है, कभी लगा कि ये एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस हो गई है तो इसको अवशिष्ट शक्तियों के अंदर डाल दो, आने वाले टाइम में कभी वायसराय इसके ऊपर कानून बना लेगा अगर वो चीज आई तो। अब आगे चलते हैं, एक आता संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। अब संघीय न्यायालय व्यवस्था की, जब व्यवस्था की गई तो इसके अंदर मतलब एरिया बढ़ा दिया गया, भाई इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। लेकिन न्यायालय का संबंध, भाई इसने कोई अगर डिसीजन दिया तो इसका डिसीजन मान्य नहीं होगा, सबसे बड़ा डिसीजन प्रीवी काउंसिल लंदन के पास थी, और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, पहले ही थोड़ा बहुत इसके अंदर पावर भारतीयों को दे दी गई थी लेकिन सर्वोच्चता तो ब्रिटिश सरकार की ही रही कि भी जो हमारा कथन होगा वही अंतिम होगा। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, इसके अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ा दिया गया इस 1935 अधिनियम के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के वर्ग को भी मतलब आगे कि आप अपने अपनी अलग चुनिए। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना का अभाव का मतलब था भाई आप बना क्या रहे हो, आपकी कोई थीम बताओ, आपकी सोच क्या है, वो थी नहीं, बस बना दिया रैंडमली। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को, अधिनिक क्षेत्र है उसको, इंग्लैंड का औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन रखा गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर थोड़ा बहुत वोट देने का अधिकार बढ़ा दिया कि भी 10% संख्या जो है वो जनसंख्या जो है वो और वोट डाल सकती है। लेकिन देखिए उस वक्त जो वोट जो थे ना ऐसे डालते थे कि महिलाओं को तो डालने ही नहीं देते थे और गरीबों को नहीं डालने देते थे। वोट डालने की उनको छूट होती थी जो अमीर है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पे। आगे चलते हैं। 1947 में हमारे सामने आता है कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया। 18 जुलाई को उसे एक्सेप्ट कर लिया गया जिसके अंदर 20 सेक्शंस थे। अब एक में तो क्या गया कि दो अधिराज्यों की स्थापना होगी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान को इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो 14 अगस्त को वहां पर वो अपना इंडिपेंडेंट डे बनाता है। बेटा है अपना कोई ना। और उनके उनको ब्रिटिश सरकार जो वो सत्ता सौंप देगी, भैया आप अपने अपने काम को अपने अपने अकॉर्डिंग चलाइए वहां पर। और जब तक आपकी सभा वहां पर कोई विधानसभा नहीं बन जाती, आप कोई वहां पर अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक आप 1935 के जो शासन अधिनियम है उनके अकॉर्डिंग वहां पर आप काम कर लीजिए। तो ये बात बोली गई। ठीक है, देसी रियासतों पर ब्रिटेन ने कहा कि देखिए आपके पास आप हमारी सर्वोपरिता तो खत्म होती है, आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, आप चाहे तो भाई भारत में शामिल हो जाइए, आपकी इच्छा है, ना चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। एक तरीके से माउंटबेटन योजना थी, इसमें क्या था कि जितना हो सके भारत को तोड़ने की कोशिश की गई थी। ये तो शुक्र है वीपी मेनन जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इस बात को प्रोपोगेट ही नहीं होने दिया कि भैया जो रियासतें देसी रियासतें वो चाहे तो अकेली अपने आप में आजाद रह सकती हैं, भाई वो फैलने नहीं दिया। गए उनको फट दनी से भारत में शामिल कर लिया। ये तो अंग्रेजों ने तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली थी यहाँ पे। और इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट क्षेत्र जो था वो, मतलब इनको छोड़कर भारत का राज्य क्षेत्र बन गया था बाकी का बाकी। तो ये तो था आज का अपना भारत का संक्षिप्त इतिहास। आपने देखा कि कुछ चीजें यहां से हमारे सामने बनती शुरू हो रही है। परिसंघ सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अध्यादेश निकालने की शक्ति, तो ये सब चीजें जो थी वो एक इतिहास के अकॉर्डिंग आपने देखी कि आने वाले टाइम में जो संविधान की नींव रखी गई है यहां से। अब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि भैया हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। और ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तो शेयर कर सकते हैं चैनल को भी और वीडियो को भी। क्लियर। और आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।